मैं ये चीज़ मानता हूँ, आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में किसी भी जगह काम करते हैं, अगर आपका पब्लिक में पकड़ आपकी अच्छी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी पकड़ अच्छी नहीं है, आपका सामंजस्य अच्छा नहीं है, तो आप कहीं भी अच्छा काम नहीं करते। अच्छा काम करने के लिए यही है कि आपके लोगों का जुड़ाव बहुत अच्छा है। जॉन्सगंज राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर लोकेश मीणा का हुआ तबादला। वार्डवासियों व स्टाफ सहित शुभ चिंतकों ने दी भावभीनी विदाई। जॉन्सगंज गढ़ीमालियान स्थित राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर लोकेश मीणा का तबादला उनके गृह जिले टोडाभीम में हो गया। इस अवसर पर वार्ड 34 और 35 के वार्डवासियों सहित उनके शुभ चिंतकों और अस्पताल स्टाफ के द्वारा डॉक्टर लोकेश मीणा को भावभीनी विदाई दी गई। इस मौके पर डिस्पेंसरी को रंग बिरंगे गुब्बारों और फूलों से सजाया गया, जहां वार्डवासियों व स्टाफ ने डॉक्टर मीणा को साफा माला पहनाकर अभिनंदन पत्र देकर उनका सम्मान किया और उन्हें भावभीनी विदाई दी। इस मौके पर मीडिया से रूबरू होते हुए डॉक्टर मीणा ने कहा कि अक्टूबर 2015 में उनकी पहली पोस्टिंग इसी डिस्पेंसरी में हुई थी, तब से वे लगातार इस डिस्पेंसरी में कार्यरत हैं। सरकारी डिस्पेंसरी को अपने उच्च अधिकारियों व सरकार के सहयोग से कायाकल्प योजना के तहत कार्य करते हुए प्राइवेट अस्पताल जैसी सुविधाएं मुहैया कराई गई। राजस्थान सरकार की कायाकल्प योजना के तहत पीएससी को सुंदर बनाने के लिए कई अवार्ड भी दिलाए, जो लोगों के लिए मिसाल बनी और यहां आकर लोग इस डिस्पेंसरी का मुआयना कर इसके जैसी डिस्पेंसरी बनाने के लिए प्रयासरत भी रहे। इसलिए उन्हें कई बार सरकार से अवार्ड मिले, जिसके लिए वे आभारी हैं। उन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति में काम करने का जुनून और लोगों की सेवा करने की भावना होगी तो वह कहीं भी रहकर अपना बेहतर काम प्रदर्शित कर सकता है। उन्होंने कहा कि अब वह अपने गृह जिले टोडा भीम जा रहे हैं, इसकी उन्हें खुशी है, तो यहाँ के लोगों का स्नेह और प्यार के चलते जाने का दुख भी हो रहा है। उन्होंने कोविड काल में भी अपने 100% देते हुए कोविड मरीजों की बेहतर से बेहतर सेवा करने का प्रयास किया, लोगों को मोटिवेट किया और उनके डर को दूर किया, जिससे इस डिस्पेंसरी में आए कई कोविड मरीज ठीक होकर अपने घरों को गए। आज मैं अक्टूबर 15 से गढ़ीमालियान जो शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पे पदस्थापित हुआ था। जो ये मेरी पहली पोस्टिंग थी, मैं शुरू में मेरे को इतना पता भी नहीं था कि फील्ड में किस तरह का काम होता है। एक डॉक्टर जब कॉलेज से पढ़ के आता है, वो चीज़ें बहुत अलग होती हैं। जब आप फील्ड में आते हो, जब आप यहाँ लोगों को देखते हो, लोगों की समस्याएं देखते हो, फील्ड में किस तरह का काम होता है, वो एक बिल्कुल ही एक डिफरेंट सिनेरियो होता है। तो यहाँ लोगों का मुझे बहुत सहयोग मिला, मेरे अफसरों का बहुत सहयोग मिला, और मेरा शुरू से ही एक मानना था कि जो हमने गवर्नमेंट सिस्टम को जिस तरह से हमने समझ रखा है कि यार ये सरकारी है, जैसा आपको लग रहा है ये ऐसे ही चलता है, इसमें कुछ सुधार नहीं होता है, वो चीज़ों को मैंने हमेशा एक चैलेंज के तौर पे लिया कि नहीं, अपन इन चीज़ों को सुधार सकते हैं, अपने गवर्नमेंट सेटअप को बिल्कुल एक प्राइवेट की तरह रन कर सकते हैं। तो मेरा शुरू से ही फोकस ऐसा था कि इन चीज़ों को इस तरह लिया जाए कि लोगों को ऐसा नहीं लगे कि वो कहाँ बैठे हैं, उनको ये फील नहीं होना चाहिए कि हम कहीं सरकारी उसमें दिखाने जा रहे हैं तो हम एक सब स्टैंडर्ड जगह पर दिखाने जा रहे हैं। आज मैंने उन चीज़ों को एज ए चैलेंज लेके कुछ मेरे अफसरों का काफ़ी सहयोग रहा, सरकार का अच्छा उसमें मेरे को मिला, तो मैंने शुरू से इन चीज़ों को एज ए चैलेंज लेके सुविधाओं पे जितना मैंने सुधार हो सके उस पर किया। आप पेशेंट को क्या सुविधाएं दे सकते हैं, मैक्सिमम दवाइयों की अवेलेबिलिटी मैंने यहाँ सुनिश्चित करी ताकि कोई भी मरीज़ को कोई भी दवाई बाहर से नहीं लेनी पड़े, उसको अपनी जेब से कोई पैसा खर्च करना नहीं पड़े। जहाँ भी अगर वो बैठा है तो अगर उसको किसी भी वजह से कोई दवाई के लिए या उसको ओपीडी में अगर 10 मिनट भी वेट करना पड़े तो उसको बैठने को एक अच्छी जगह मिले, वेंटिलेटेड जगह मिले, वो आराम से तसल्ली से कम से कम 10 मिनट आपका आराम से वेट कर सके। तो हमने उन सुविधाओं को विस्तार किया। इसी वजह से अब पिछले 3 या 4 साल से जो आपकी जो ये शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसको राजस्थान सरकार की तरफ से कायाकल्प योजना के तहत मैं लगातार 3-4 साल से इसमें अवार्ड ले रहा हूँ। मैं 2017 में मैं फर्स्ट रहा स्टेट में, और 2019 में मैं दोबारा फर्स्ट रहा, उसके बाद इस साल हम दोबारा सेकंड आए थे। तो हमने इस पीएससी को इस लेवल पे इम्प्रूव करा कि आज हम स्टेट में हमारा एक नाम होता है कि हाँ ये कोई पीएससी है। यहाँ से कोई भी जो बाहर से एक्सटर्नल मॉनिटर आते हैं वो लोग यहाँ की इतनी वीडियोस और फोटोज़ लेके जाते हैं कि कैसे हम अपने ज़िले में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। होता क्या है कि हम लोग किस लिए बैठे हैं, सरकार के जो जो सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं हम किन लोगों को सुविधाएं देते हैं, ये चीज़ हमें समझनी चाहिए कि हम एक बहुत लोअर जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोग होते हैं उनको हम सुविधाएं दे रहे हैं। वो ऐसे लोग होते हैं जो अपनी चीज़ों के लिए किसी को बोल तक नहीं पाते हैं कि हमें क्या चाहिए, हम किस चीज़ से परेशान हैं। उनको ऐसा लगता है, अगर मैं कहीं देखता हूँ कई जगह कि वो कहीं जाते हैं किसी को बोलते हैं तो उनको ना तो कोई सुनता है, और वो बोलता नहीं बेचारा, उससे पहले उनको 10 लोग सुना देते हैं कि आप कहाँ से उठ के आ गए, आपको कुछ पता नहीं है। ऑब्वियसली उनको नहीं पता है, उनको पता होता तो और अच्छी जगह जा रहे होते। तो वो लोग उस जगह से उठ के आते हैं कि उनको अपने हेल्थ के बारे में तक पता नहीं कि जो बीमारी उनको हुई है वो अल्टीमेटली उनको क्या परेशानी कर रही है।
तो ये चीज़ अगर आप उन लोगों को ज़्यादा फोकस करोगे जो पैसे वाले लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो तो कहीं भी जा सकते हैं, उनके पास तो बहुत प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वो गवर्नमेंट की काफ़ी सारी स्कीम्स को लेके जुड़े हुए रहते हैं, बीमा उनके पास सब तरह के होते हैं। तो अल्टीमेटली आप किन लोगों को फोकस करना चाहिए, तो मेरा शुरू से ही टारगेट था कि मैं उन लोगों को फोकस करूँ, ऐसी जगह पर फोकस करूँ जिन लोगों को जो शुरू से मतलब मेडिकल की सुविधाओं से वंचित रहें या सरकार की योजनाओं से वंचित रहें। तो मैंने मुझे लगता है कि मैंने उन लोगों के लिए करा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे मैं इसी चीज़ को कंटिन्यू रखूँ, उन लोगों के लिए उतना ही समर्पित रहूँ जितना मैं पहले था। अच्छा, और जी 2 साल कोविड था, कोविड में किस तरह से परेशानी आई? और देखिए कोविड में जो सबसे बड़ी जो समस्या थी, स्प्रेड तो कोविड का जिस तरह से बढ़ी रहा था, मेन था लोगों के अंदर एक डर का। तो हमारी एक कोशिश थी कि हमने उस टाइम भी लोगों के साथ, लोगों के घर जाके, लोगों से मिल के, कोई जो ज़्यादा सीवियर था, जिसको ज़्यादा परेशानी थी, हम उन लोगों को घर जाके बताते थे कि इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कोविड में आपने एक चीज़ देखी होगी कि बीमारी अपनी जगह थी, लेकिन जो कॉज ऑफ डेथ जो मैक्सिमम था वो स्ट्रेस की वजह से था, जो साइटोक्रोम स्ट्रेम या जो इस तरह की जो प्रॉब्लम लोगों के साथ आ रही थी, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो रहे थे, वो आपके बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्ट्रेस लेने की वजह से हो रहे थे। हमने देखा था कि पूरी पूरी फैमिली इस बुरी तरह पैनिक में आ जाती थी। आज भी हम उन लोगों कई लोगों को मैं देखता हूँ कि जो कोविड में जो इन्फेक्टेड हुए थे, आज भी वो साइकेट्रिक उनके साथ काफ़ी चेंजेज आए हैं। तो हमने उस टाइम भी लोगों को यही फोकस करा था कि हम लोगों के साथ बैठ के, जब एक कोविड पे एक ऐसा टाइम था कि लोग पेशेंट को अंदर तक नहीं आने देते थे, उनकी पर्ची के हाथ नहीं लगाते थे, मैं उस टाइम भी मरीज़ के साथ आराम से बैठ के 5-10 मिनट डिस्कस करता था, मैं उनको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करता था कि आपकी बीमारी ऐसी है, ये ऐसे करके ठीक होएगी। तो उससे क्या है कि पेशेंट को भी ट्रस्ट डेवलप होता है, वो आप जब आप उसके सारे डाउट क्लियर करते तो उसको आप पे एक भरोसा डेवलप होता है और उसको समझ आता है, जब तक वो खुद अवेयर होने लग जाता है कि मेरी ये बीमारी है और मैं ऐसे ठीक हो सकता हूँ, तो उसका अपना आप एक डर खत्म हो जाता है। तो हमने अल्टीमेटली कोविड भी इलाज तो सभी लोग कर रहे थे, हमारा फोकस ये उस टाइम भी थोड़ा एक हमने डिफरेंट अप्रोच ली थी कि लोगों का डर कहीं ना कहीं ख़त्म किया जाए, ओपीडी में मैक्सिमम लोगों को सुविधाएं दी जाएँ, तो इस चीज़ को लेकर हमने उस टाइम फोकस करा था। मैं बेसिकली करौली डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, टोडा भीम मेरी तहसील लगती है और मेरा नेटिव विलेज है नांगल्ला टोडा भीम के पास में। तो टोडा भीम में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और ट्रॉमा सेंटर है, तो मेरी अभी जो नवीन पदस्थापन हुआ वो टोडा भीम में हुआ है CSC में। तो कितनी खुशी हो रही है में और किस तरह से? नहीं, खुशी भी है, उसको खुशी भी कहा जा सकता है, लेकिन एक जो यहाँ के लोगों को जो मुझे प्यार मिला, मुझे मोर देन 6 ईयर हो गए यहाँ काम करते हुए, मेरा जो पब्लिक से जुड़ाव था, जो लोगों से जुड़ाव था, जो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ाव था, तो एक वो चीज़ कहीं ना कहीं फील होती है कि आज हम उन लोगों को छोड़ के मतलब एक नई जगह जा रहे हैं, इन लोगों को बहुत मिस करेंगे, इन लोगों का बहुत सपोर्ट रहा। और मैं ये चीज़ मानता हूँ, आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट सेटअप में किसी भी जगह काम करते हो, अगर आपका पब्लिक में पकड़ आपकी अच्छी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी पकड़ अच्छी नहीं है, आपका सामंजस्य अच्छा नहीं है, तो आप कहीं भी अच्छा काम नहीं कर सकते। तो अच्छा काम करने के लिए यही है कि आपके लोगों के साथ जुड़ाव बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है, एक खुशी तो है ही कि मैं अपने घर पर अपने पेरेंट्स के साथ रह पाऊँगा और वहाँ के लोगों को, ये रूरल एरिया है तो उन लोगों को सुविधाएँ दे पाएंगे। वही वार्ड 35 के पार्षदपति दिलावर चौहान और क्षेत्र के रहने वाले कमल सिंह ने बताया कि डॉक्टर लोकेश मीणा का तबादला होने का उन्हें दुख है। डॉक्टर मीणा ने डिस्पेंसरी में कई नवाचार किए, यहाँ आने वाले हर मरीज को उन्होंने बेहतर चिकित्सकीय सुविधाएं मुहैया कराई और डिस्पेंसरी के VIP कल्चर को खत्म किया। उनके लिए आम हो या खास, सभी एक जैसे थे, सभी के साथ उनका व्यवहार काफ़ी सम्मानजनक रहा। आज उनके जाने का दुख हो रहा है, लेकिन खुशी इस बात की है कि वे अपने घर के नज़दीक जा रहे हैं। इस अवसर पर उन्हें उनके आगामी उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई हैं। विदाई समारोह के दौरान रामगंज थाने का स्टाफ, गंज थाना प्रभारी धर्मवीर सिंह, अर्थ मूवर्स कंपनी के संचालक प्रकाश राखा, वार्ड 35 के पार्षदपति दिलावर चौहान सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। आज गड्डी मालियान डिस्पेंसरी के मुख्य चिकित्सक श्री लोकेश जी मीणा, जिनका स्थानांतरण उनके वही निवास स्थान होम टाउन में हो गया है। लोकेश जी से मैं मिला था कोविड काल में, तो मैंने पूरे शहर में ऐसा डॉक्टर नहीं देखा जो बिना डरे और मरीज़ से मिले। आधी बीमारी तो मिलके उससे ठीक करते थे कि घबराओ मत, मैं खड़ा हूँ और आपको कुछ भी नहीं हुआ है, आपका बहुत अच्छा इलाज होगा। इस सरकारी डिस्पेंसरी को उन्होंने एक निजी अस्पताल से भी बेहतर चलाया है, उसकी उन्हीं के इसी कार्यकाल को ये गड्डी मालियान क्षेत्र हमेशा याद रखेगा। जहीं से भी यहाँ पे कहीं से भी अगर बीमार आते थे तो ठीक होकर जाते थे, और बहुत अच्छा कार्यकाल, बहुत अच्छा व्यवहार था उनका, उन्हें हम याद रखेंगे। और वो अपने गृह क्षेत्र जा रहे हैं, उसके लिए उनकी बधाई, और यहाँ से जा रहे हैं उनके लिए थोड़ा तो हम
क्या कह सकते हो, अच्छा भी है, थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा है। डॉक्टर लोकेश मीणा साहब बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं और हम जैसे उनको ट्रांसफ़र हुआ हम उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं और हमारी तो हार्दिक इच्छा यही है कि वो वापस इसी शहर में आए और CMHO बन करके आएँ। हमारी हार्दिक इच्छा रहेगी। जैसा कि 5-6 साल पहले इस हॉस्पिटल के अंदर एक VIP कल्चर होता था, वो उन्होंने बिल्कुल बंद किया। यहाँ आम पेशेंट को भी अच्छे से अच्छा इलाज होता था। मैं खुद इसका भुगत भोगी हूँ और मैंने भी पहले इलाज कराने के लिए, मेरी मिसेज को डेंगू हुआ था तो एक VIP कल्चर चलता था, VIP जान पहचान निकलवाई थी। डॉक्टर साहब ने उन सबको दरकिनार करते हुए अपना बेहतर से बेहतर इलाज किया था और सब मरीजों में बहुत अच्छा विश्वास जगाया था। मैं इतना भावुक हुआ हूँ। आज डॉक्टर साहब जा रहे हैं, उनकी विदाई है और अपना आखिरी प्रिपरेशन उनसे लिखवा के लेकर आया हूँ। उनके हाथ के साइन है जो कि मैं एक लेमिनेट करा के रखूँगा एक बार।